नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा इस समय एक ऐसी खबर लेके आया हूँ जो इस पूरे शास्त्री पार्क से लेकर खजूरी तक के जो रहने वाले लोग हैं खासकर पुस्ते के किनारे उनके लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पे अभी देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे का निर्माण चल रहा है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इसका कार्य बहुत तेज चल रहा है। और उसके बाद जैसा कि इसमें और चीजें जुड़ने वाली हैं, क्योंकि 2.5 घंटे में करीब आप दिल्ली से देहरादून पहुंच जाएंगे, मगर अभी आप देख रहे हैं कि इस पे काम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है यह रोड कंजेस्टेड होता जा रहा है। अब इसके साथ एक खबर ऐसी आ रही है जो यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए थोड़ी मुसीबत का सबब हो सकती है, मगर लाखों लोगों को इससे फायदा होगा। इस जमुना पार के रहने वाले सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है ये, और कुछ लोगों को इससे नुकसान होगा, मगर अच्छी खबर जो है उससे इस पूरे एरिया की कायाकल्प होगी, क्योंकि जब ये एक्सप्रेसवे तैयार होगा तो पूरा एरिया इससे डेवलप होगा। मगर जो अब इसके साथ चीजें और डेवलप होंगी हम उसके बारे में आपको बताते हैं। यह पुस्ते के साथ जो सर्विस रोड है यह अब चौड़ा होने वाला है। हमारे सूत्रों ने जो हमें खबर दी है हम उसके बारे में आपको बताते हैं कि आखिर क्या हो रहा है और कब से यह कार्य शुरू होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि इस पुस्ते रोड पे आप गीता कॉलोनी से अगर चलते हैं तो खजूरी और टोनिका सिटी तक आपको यह रोड पे काम दिखाई दे रहा होगा, जो कि रोड अब काफी हद तक अपने प्रगति पे कार्य चल रहा है और धीमे धीमे ये कंप्लीट होने की कगार पे है। 2023 में ये कंप्लीट होना है, मगर इसके साथ साथ पुस्ते के नीचे जो सर्विस लाइन है वो भी चौड़ी होनी है। जी हाँ, अब यह रोड भी इसके साथ यह भी रोड चौड़ा होना है, मगर यह चरणबद्ध तरीके से होगा। कैसे होगा हम आपको अब विस्तार से बताते हैं। यह तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे आप देखिए, जब आप शास्त्री पार्क से, अब तो ये कहें कि जब आप गीता कॉलोनी से चलते हैं तो आप इस खजूरी रोड पे जब आते हैं तो आपको ऐसे जगह जगह पिलर और कार्य करते हुए कर्मचारी मिल जाएंगे। यह कार्य लगातार आगे बढ़ रहा है और बहुत जल्द इसको पूरा होना है। 2023 में दिसंबर में इसको हैंडओवर करके देना है, और जिसका कार्य बहुत तेज चल रहा है। इसके साथ साथ कई चीजें और हो रही हैं जो आप इस एरिया के लिए वरदान साबित होंगी। बहुत लंबे समय से यह कार्य होना था और फाइनली अब इस पर जब एनजीटी और ऐसे कई विभाग जिन्होंने अब इस पे परमिशन दे दी है, तो उसके बाद इस क्षेत्र में इन कार्यों का जो प्रगति है वो बहुत तेज हो गई है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे किस तरीके से कार्य हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ आने आने वाले लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। यह रोड कंजेस्टेड हो गया है, आप देखिए, यह सिंगल इधर चलता है और सिंगल ही रोड इधर से भी चलता है। मगर इसके साथ साथ जो चीजें और डेवलप हो रही है हम आपको अब उसके बारे में विस्तार से बताते हैं। यह पुस्ता रोड जब आप इससे आगे जाते हैं तो यह सर्विस लाइन है, आपके सामने सर्विस लाइन है, और इस समय हम खड़े हैं पांचा पुस्ता गांधी रोड पे। इस पुस्ते के साथ जो रोड है यह नीचे जब आता है तो यह सर्विस लाइन आपके दोनों साइड है, जहां से आप लोग अक्सर जब जाम होता है तो आप इस एरिया से निकल के जाते हैं। मगर अब यह मुसीबत जो और बढ़ने वाली है इस एरिया में रहने वाले लोगों के लिए, वो अब यहाँ पे उसका काम भी बहुत जल्द शुरू होने वाला है। आप ये देखिए, यह सर्विस लाइन है, और इस सर्विस लाइन पे इस पुस्ते के साथ साथ यहां तक एक दीवार खड़ी की जाएगी, कंक्रीट की, सीमेंट की दीवार खड़ी की जाएगी, जिससे इस पुस्ते को चौड़ा किया जाएगा। यह पुस्ता चौड़ा होगा, यहां तक यह पुस्ता चौड़ा होगा। इसके बाद इसी पर सर्विस लाइन बनाई जाएगी जो आने और जाने के वाले लोगों के लिए यहाँ पे अब जरूरी हो गया है। तो उसको देखते हुए, हालांकि यह जैसे हमने आपको बताया कि चरणबद्ध तरीके से होगा, पहले ये जो रोड पे काम चल रहा है पांचे पुस्ते वाले रोड पे, आप देख आते होंगे, देखते होंगे, इस रोड पे जो काम चल रहा है देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे का, यह अब कार्य होने के बाद यानी 2023 में जैसे इसका कार्य कंप्लीट होगा उसके बाद तुरंत इस एरिया में इस पुस्ते रोड पे भी कार्य शुरू हो जाएगा। इस पे जब ये रोड पे कार्य शुरू होगा तो इसको तोड़फोड़ इस पे होनी है, यानी इन रोड पे पहले भी निशान लगाए गए थे, इस ये जो मकान आपको दिखाई दे रहे हैं इन मकानों पे पहले से निशान लगाए जा चुके हैं, और इसके बाद अब इन पे अब काम शुरू होना है। जैसे ही ये रोड कंप्लीट होगा इसके बाद इस पे काम शुरू हो जाएगा, इस पे सर्विस लाइन पे इस रोड को चौड़ा किया जाएगा, और साथ ही साथ
बीच में, क्योंकि इस पुस्तक को चौड़ा करने के लिए, क्योंकि आगे जाके ये पुस्तक कभी बह ना जाए पानी के बहाव से या कटाव ना हो इसमें, इसलिए यहाँ पे सीमेंटेड आरसीसी के दीवार खड़ी की जाएगी और उसके बाद इसको चौड़ा करके यहाँ तक लाया जाएगा। उसके साथ साथ इसमें आने आने वाले लोगों को जो सहूलियत दी जाएगी ताकि सर्विस लाइन में बची रहे और कोई दिक्कत परेशानी किसी को ना हो, उसका भी ध्यान रखा जाएगा। यानी अब जब ये रोड चौड़ा होके आएगा, ये देखिए पांच पुस्तक से आप समझ के चलिए कि ये जो रोड है, यह रोड करीब करीब आधा से ज्यादा कवर हो जाएगा और यहाँ पे इस एरिया में यानी शास्त्री पार्क से लेके खजूरी तक, सोनिया विहार, करावन नगर, टोनगर सिटी तक जो भी रोड कंजेस्टेड है वहां पे अब आसपास के जो रहने वाले लोग हैं उनके मकानों पे तोड़फोड़ होगी। यानी यह रोड अब चौड़ा होगा, इसके साथ में यहाँ डिवाइडर बनेंगे, नाली बनेगी और इसके साथ यहाँ सर्विस लाइन बनेगी। और जब इसके साथ में नाली बन चुकी है उसका काम फिलहाल रोक दिया गया है, क्योंकि अब जब इसका चौड़ा होना है तो उसके बाद इस पे आगे का कार्य होगा। तो अब इस पे चौड़ा होने की बात जो आ रही है वो 2023 के बाद इस पे भी काम शुरू होना है। और ये जो मकान आपको दिखाई दे रहे हैं आसपास, इन मकानों पे पहले से निशान लगाए जा चुके हैं जिन पे अब तोड़फोड़ की तलवार लटक रही है। और बहुत जल्द इस पे, क्योंकि अब यह काम रुकेगा नहीं, क्योंकि काफी लंबे समय से यह काम रुका हुआ था, क्योंकि इस पुस्ते के ऊपर जो एलिवेटेड रोड बनना था देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे, वो अब बन रहा है और अब इसके कंप्लीट होते, जैसे 2023 में ये कंप्लीट होगा दिसंबर में, तो फिर इस रोड का भी काम कंप्लीट होना है। इस पे भी तोड़फोड़ होनी है, ये रोड भी चौड़ा होगा और इसके साथ में लगे हुए जो मकान है उन पे भी अब तोड़फोड़ की तलवार लटक रही है और प्रशासन इस पे अब आगे कार्रवाई करने के लिए एक्टिव हो चुके, क्योंकि हमारे सूत्र जो बता रहे हैं वो काफी हद तक अब इस पे काम शुरू होने वाला है और बहुत जल्द पुस्ते के साथ यह रोड भी चौड़ा होगा और जिस पे अब एक्शन बहुत जल्द यानी 2023 के बाद कभी भी हो सकता है, क्योंकि चरणबद्ध तरीके से हम आपको जैसा बता रहे हैं वैसा ही इस पे कार्य होना है। जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पे अब चरणबद्ध तरीके से काम होना है। पहले ये जो एक्सप्रेस वे है जो आश्रम से होता हुआ अक्षरधाम होता हुआ इस पुस्ते को कनेक्ट करता हुआ खजूरी शास्त्री पार्क यह रोड जो बनना है, इसके साथ साथ ये खजूरी से होता हुआ करावल नगर टोनगा सिटी को टच करता हुआ यह सहारनपुर एक्सप्रेसवे अब देहरादून तक बन रहा है। और इसके बाद, क्योंकि 2023 में ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद यह पुस्ते रोड के साथ जो सर्विस लाइन है इसको चौड़ा करने का काम किया जाएगा, क्योंकि इसके साथ अगर इसको तोड़फोड़ की जाती है तो सारे काम अटक जाएंगे, लोगों का गुस्सा भड़केगा, उससे हो सकता है कि कामों में बाधा आए। इसीलिए प्रशासन ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता जिससे काम रुके। पहले उनका टारगेट है कि इस एलिवेटेड रोड को कंप्लीट करके स्टार्ट कर दिया जाए ताकि उसके बाद जो सर्विस लाइन है उस पर धीमे धीमे कार्य होता रहे। और अगर इस पे कोई लोगों का नाराजगी और गुस्सा भी सामने आता है तो उसमें भी अगर देरी होती है तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको तो करना ही है, मगर एलिवेटेड रोड जो बनना है, एक्सप्रेस वे बनना है, उसका काम में देरी ना हो, क्योंकि ये पहले ही लेट हो चुका है। और अगर यह और लेट होता है तो फिर यह प्रशासन पे और सरकारों पे भी सवाल या निशान होगा। इसीलिए इसको बहुत शांतिपूर्ण तरीके से कार्य किया जा रहा है और एलिवेटेड रोड जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इस सर्विस लाइन पे कार्य शुरू होगा। जैसा हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उसके बाद इस सर्विस लाइन पे तोड़फोड़ शुरू होगी, इसको चौड़ा किया जाएगा, इस पे डिवाइडर बनेंगे, इस पे रोड के साथ साथ यह रोड कटाव ना हो बारिश या किसी पानी की वजह से, जिससे यहाँ पे आरसीसी के बड़े बड़े पिलर और डिवाइडर लगाए जाएंगे जिससे यह रोड वहां तक चौड़ा किया जा सके। उसके नीचे सर्विस लाइन होगी और ये जो पुस्तक की ढलान आ रही है, चाहे वो कोई भी पुस्ता हो, पहला पुस्ता हो, दूसरा पुस्ता हो, पांचवा पुस्ता हो या खजूरी पुस्ता हो, सभी को ढलान को और ऊंचा करके उनका लेवल लाया जाएगा ताकि यह पुस्ते को इससे कनेक्ट किया जा सके। तो इस एरिया के लिए एक अच्छी खबर भी है कि बहुत जल्द यह रोड और चौड़ा होने वाला है। एलिवेटेड रोड बनने के बाद, एक्सप्रेस वे बनने के बाद इस रोड पे भी काम शुरू होगा और उसका काम भी 2023 के बाद शुरू होने वाला है, क्योंकि निशान पहले भी लगाए जा चुके हैं और कई जगह दोबारा निशान लगाए गए हैं। एन भारत टीवी, खजूरी, शास्त्री पार्क, दिल्ली।